पहली वीडियो देखी होगी। मैंने उधर सब डिस्क्रिप्शन में दिया है कि मैंने कैसा किया, कैसे गणपति को बिठाया और कैसे मैंने क्या क्या यूज़ किया। तो मैं आप फिर से बताऊंगा कि मैंने क्या क्या यूज़ किया। पहले तो मैंने ये स्टिक्स यूज़ किए, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये स्टिक यूज़ किए, ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये स्टिक्स यूज़ किए। फिर मैंने ब्रश यूज़ किया और सबसे बड़ा मेन मैंने ये यूज़ किया, ये देखो ये है क्या आप पूछेंगे, तो ये है नारियल के छिलके। तो मैं आज आपको बोलने वाला हूँ मैंने कैसा किया। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं पैर के जानकारी के लिए मैं दूसरा वीडियो का ज़रूर करूँगा, तो मैं कर रहा हूँ अभी। तो देखो मैंने पहले डिब्बा लिया, इस साइज़ का डिब्बा लेने के, क्योंकि आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा लेने के मेरे जैसा। तो फिर पहले आपको उसको होल पढ़ना होगा। तो होल पढ़ने के बाद उसको रॉड डालो, रॉड नहीं तो ऐसा ब्रश डालो। मैंने ऐसा ब्रश डाला है क्योंकि मेरे पास रॉड नहीं था, इसलिए मैंने ब्रश डाला है। तो ब्रश से कैसा होगा उसको थिकनेस और आएगा, ये देखो जब मैंने डाला है। तो उसके बाद मैंने उसके बाजू में मैंने एक क्ले लगाई और क्ले के बाजू में ऐसे छोटे छोटे, ये बड़े हैं इसके इसलिए मैंने यूज़ नहीं किए, ऐसे छोटे छोटे हैं ना, वो ऐसे ऐसे लगाए, ये देखो ऐसा ऐसा। तो वो लगाने के क्यों क्या कारण है मालूम है कि वो ऐसा हल्का होता है और लाइट वेट। तो उसके बाद मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है गणपति, मेरा सिर्फ ब्रिश बाकी है, बाकी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है आके और कलरिंग बाकी है। तो मैं आपको अभी बोलने वाला हूँ, देखो उसका ब्रिश बाकी है सिर्फ। तो आपने ये ऐसा छिलके लगाए, उसके बाद उसके ऊपर आपको एक लेयर डालनी होगी, क्ले की लेयर डालनी होगी। उसके बाद मैंने और एक लेयर डाली इसलिए उसका स्टमक का शेप आया है, देखो दिखाता हूँ आपको एक मिनट, ये देखो आप देख रहे ही होंगे, इधर देखो ये देखो स्टमक का शेप आया, इसलिए वो जरा और अच्छा हो गया। और उसके बाद मैंने टेस्ट किया और हाथ के वक्त मैंने सबसे महत्वपूर्ण ये स्टिक यूज़ की है, स्टिक के लिए मैंने हाथ को बैलेंस करने। और अब सिंहासन नहीं है इसलिए मैं बनाने वाला हूँ, पर इसलिए मैंने अभी के लिए सिर्फ ये रॉड यूज़ किया और ये डब्बा यूज़ किया है। तो अभी ये नीट ऐसा प्रेस करेंगे, तो अब मैंने पूरा बना लिया है। और आप लास्ट वीडियो में मेरा हाथ मुंह गणपति का मुंह है ना, वो मैंने आपको दिखाया था। फिर से मैंने और एक बनाया और उसको कान से बनाया है अभी, और आपको बोला था कि मैंने वाटर भी किया है। ये क्ले है इसलिए आप देख सकते हैं ये बहुत स्टिकी है, अभी तक ये बहुत स्टिकी है। और अब मैं बोलने वाला हूँ मैंने इसके पहले क्या क्या किया था, ये देखो। फर्स्टली मैंने कान बना है, मुंह बनाया, और उसके बाद ये देखो। अब आप पूछेंगे आपने लेग कैसा किया, तो मैंने पहली वीडियो दिखाई थी तब आपने देखा होगा कि एक स्टमक होगा, मैंने स्टमक तक किया था। तो स्टमक के उधर ऐसे ऐसे केले के सिक्के डालने के, ये देखो ऐसा डालने का, कि उसके ऊपर छोटा बॉल ऑफ क्ले लेने का, उसको पोली चपाती जैसा बनाने का, और उसके ऊपर ऐसे डालने का, रैप करने का, वो दोनों साइड में किया मैंने। ये देखो वो गणपति ऑलरेडी क्रॉस है, इसलिए मैंने मुंह भी मैंने क्रॉस किया है, मुंह मैंने दूसरे डायरेक्शन में टका है, ये देखो आप देख सकते हैं कि ऐसा मुंह है और वो गणपति की बॉडी ऐसी है, देखो आपने देखा, हाँ देखो वो गणपति की बॉडी ऐसी है। तो मैंने आपको बोला था पानी डालने को वगैरह, तो मैंने अभी दो सेट हो गए रैप करके, दो ऐसे केले के छिलके से। तो उसके बाद और एक ऐसा लेने का, या इसका इससे बड़ा लेने का, थोड़ा सा पैर है ना इसलिए, तो बड़ा लेने का और उसको भी रैप करने का, वो रोल्स चपाती वाली शेप से, फ्लैट राउंड फ्लैट शेप से उसको रैप करने का,
और रैप करने के बाद उसको जहाँ हमें पोजीशन रखी है, मतलब हमें चाहिए जो पोजीशन, उधर हमें सिर्फ रखना है। रखने के बाद हमें सिर्फ ऐसा दो क्ले मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद वो ऐसा लगेगा, ये देखो। आपको आप मैं बाद में दिखाता हूँ लास्ट के वीडियो में कि वो कैसा दिखता है। और उसके बाद अब मैं कलर करने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम, वो उसकी दूसरी वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। तो आप ये देख सकते हैं मैंने मुकुट कैसा किया, ये देखो। मैंने पहले ऐसे बाल किए गणपति के, फिर उसके बाद मैंने यह बॉटल है वाइट कलर की ऑयल पेस्टल की, तो उसे मैंने नहीं, मतलब वो ख़त्म हो गई है, इसलिए मैंने उसका ढक्कन लिया। और ढक्कन को आप मुझे, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने रॉड नहीं पर टूथपेस्ट चूज़ किया है, तो टूथपेस्ट मैंने आधा काट लिया था, इसलिए मैंने वो उसका टूथपेस्ट का आधा भाग, मैंने ब्रश का आधा भाग इसके अंदर डाल दिया है। और बची हुई क्ले से मैंने उधर ऐसा रैप किया है, मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट वीडियो में। और अभी मेरा रिस्ट बाकी है, तो अब मुझे मैं बताता हूँ कि ये ढक्कन है ना क्ले का, उसके ढक्कन को मैंने पीछे की डिश बनाई है। कैसे बनाई? ढक्कन लेने का, उसके अंदर एक होल लगाने का और उसके अंदर एक लकड़ी डालने की उसके क्ले में डालने का, हो गया डिश। देखो ऐसा मेरा है, अभी गणपति हो गया है। सुन भी आपको मैंने बोले थे लास्ट पहली वीडियो में, तो आपको दिखा सकता हूँ मैं अभी। मैं जरा लाता हूँ, जरा दूर। देखो अब आप देख सकते हैं कि गणपति कैसा हुआ है। रुको मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अब मैं इसे पीछे लेता हूँ, ये देखो। ये देखो। अब मैं आपको बोला था मैंने कि आपको मुझे पैर दिखाने हैं, तो मैं आपको पैर दिखाने वाला हूँ अभी। तो ये देखो मैंने पैर बनाए है, ये देखो आपको इधर दिख रहा है नारियल के छिलके, ये देखो। आप जरा गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये देखो। इसके अंदर मैंने ब्राफ किया, आपको बोला था मैंने, ये देखो। अब मैं इसके पीछे की साइड दिखाता हूँ, ये देखो, ये मुकुट है, उसके पीछे की साइड दिखा रहा हूँ, ये देखो। अंदर इसके देखेंगे तो आप इधर डिस्क लगेंगी इसकी, वो डिस्क के ऊपर मैंने एक लकड़ी डाली है। अब ये देखो पीछे से मैंने वो डिस्क वाइफी डाली है, ये देखो, ये देखो। ये जींस पकली का चिंता मैंने इसलिए, उसकी बॉडी ऐसी है और ये ऐसा, ये देखो। तो ये है गणपति की सीटिंग। अब मुझे इसको करना है ठीक से, और अब मुझे इसको कलर करना है। मैंने सब क्ले मिक्स किया है, इसलिए वो डिफरेंट कलर का हो गया है, ये देखो। हाँ, दूर से देखेंगे तो इसका मुंह ऐसा हो, आप पीछे से देखेंगे, ये देखो ऐसा है इसका अभी, ये देखो। आप पीछे से देखेंगे तो इसका आपको पता चलेगा कि इसका मुंह कैसा है, ये देखो ऐसा क्रॉस है, समझ में आया, ये देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।